जय श्री राम, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग सारे फर्स्ट क्लास। तो गाइस फिलहाल मैं हूँ अपने पार्किंग पे, ठीक है। और पार्किंग चल रहा है थोड़ा सा लफेरा, क्योंकि लफेरा का मैटर क्या है, गर्मी हो रही है औकात से ज़्यादा, ठीक है। इंसानियत की जितने भी लोग जीवित है सबकी ऐसी तैसी तो हो ही रही है, और जो जितने भी ये मैकेनिकल चीज़ें हैं, एसी, कूलर, पंखा, गाड़ी, ये सबकी ऐसी की तैसी हो रही है भाई। आग लग रहे हैं आग के डेली, भारत के अंदर इतनी सारी घटनाएं आ रही हैं जिसका कोई नियम नहीं है, है ना। तो कुछ ऐसी कुछ कांड हुए हैं हमारे साथ भी अभी फ़िलहाल, मैं दिखाऊंगा आपको, ऐड करा दूँगा सारी चीज़ें। तो भाई मैं यही बोलूँगा थोड़ा सा बच के रहे, हीट वेव वगैरह ये सब बहुत तगड़ा चल रहा है। 50+ डिग्री, 52.2 आई थिंक दिल्ली के अंदर कहीं पे किया गया है, है ना। तो ज़रा उस चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा, आपको बताता हूँ बाकी चीज़ें। और ये देख लो, ये रहे हम पार्किंग पे, ठीक है। और ये देख लो सारी बाइकें यहाँ लग रही हैं, और इसका रीज़न बताता हूँ। कल तक इतनी छूट हमने नहीं दी थी किसी को, तो मतलब कल तक कुछ छूट ही छूट थी कि आप बाइक ले जाओ, इतना लगा रहे हो, लोगों को प्यार से समझा रहे, समझ नहीं आ रही, ठीक है। अब समझाना ज़रूरी हो गया क्योंकि परसों हुआ यहाँ पे आग लगी है। जी हाँ, यहाँ पे रात को 1 बजे करीब आग लगी है, गर्मी के कारण। पीछे से आग पकड़ा है, पीछे नाला था, ठीक है। मैं आपको सब दिखा दूंगा कैमरे में, क्या है क्या नहीं है। जब दिखाऊंगा तभी बताऊंगा कि आग का मैटर क्या है। तो उस आग में 18 गाड़ियाँ जल गई हैं, और हर न्यूज़ में दिखा रहा है 15 से 18 गाड़ियाँ, ठीक है। तो उसी के लिए नियम हो गए टाइट, किसी को बुरी लगे तो बुरी, भली लगे तो भली, आई डोंट केयर। बाइक यहीं लगेगी और कल से कटेगी पर्ची, ठीक है भाई। दूसरी बात, नो स्मोकिंग, नो एल्कोहल, नो ड्रिंकिंग, सब जो है अपने घर करो, यहाँ कोई वो नहीं है, ठीक है भाई। सिंपल लॉजिक, सिंपल बंडा भाई। अपन जा रहे हैं कार की पहली सर्विस कराने, चेकअप भी कह सकते हो आप, है ना, 2000 किलोमीटर पे जो होती है। तो पहला वही कराने जा रहे हैं, वहाँ चल के दिखाता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। जाम देखो, जाम देख रहे हो, जाम चलता हुआ, ठीक है। तो वही बता रहा था मैं आपको, 2000 भी जो पहले सर्विस होते वही कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑन सर्विस कराने के बाद मैं आपको इसकी खासियत, कमियाँ, नेगेटिव पॉजिटिव सब बता रहा हूँ, जो मैंने फील किया 700-800 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलाने के बाद, है ना। सारी चीज़ आपको बताते हैं, क्या दिक्कत है, क्या बोल रहे हो, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। एवरेज का भी आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ मैं, बाकी यही सारी चीज़ें देखते हैं कितना टाइम लेता है, ठीक है। तो अपना तो शोरूम पास में ही, सर्विस सेंटर दोनों ही पास में, ठीक है। चलो तो भाई जॉब कार्ड हमारा बन गया है, 3-4 घंटे लगेंगे इसमें, है ना, पूरा जॉब कार्ड। 2-3 जो इसमें है, एक बार गाड़ी हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उसका देखते हैं क्या होता है। रेंज की दिक्कत आ रही है, मैं उसी के लिए रुका हुआ कि वरना आपको अभी तक मैं बता देता कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो एक बार वो क्लियर हो जाए उसका दिखाता हूँ आपको क्या है, ठीक है। चाय पी लो, चाय फ्री की चाय पी लो भाई, सर्विस सेंटर वालों की ऐसी पैसे बहुत ले आते, गाड़ी में पैसा बहुत फूक चुका है, तो चाय पी लो, है ना। स्मार्ट, तो पार्किंग वहाँ लगी थी ना गुरु जी, वो दिखा देता हूँ आपको एक बार, ठीक है, दिखाता हूँ। ये देखो, ये पूरे जल की राख हो रखी है, देख रहे हो, पूरी ऐसा कुछ सीन है। आग लगने का रीजन सब बता दूंगा अभी आपको मैं, एक तो गर्मी देख लो भाई, गर्मी देख रहे हो, पूरा आसमान, ये देखो स्कॉर्पियो देख रहे हो, पूरी जल गई, ये सीन हुआ भाई। तो जी सर्विस हो गई हमारी, ठीक है, सर्विस हो गई हमारी, और अब चल रहे हैं घर को, देखते हैं अब घर चल कर वो बताते हैं क्या प्रोसेस है, ठीक है, क्या खामियाँ, क्या पॉजिटिव, क्या नेगेटिव, सब घर चल कर, ठीक है। अभी तो चमक रही है गाड़ी, तो लो जी गाड़ी में बैठे हुए हैं, और अब आपको देते हैं इसकी 2000 किलोमीटर की फर्स्ट सर्विस की सारी चीज़ें, सारी चीज़ बताता हूँ आपको, क्या कोस्ट लगा, क्या प्रोसेस है, और क्या इसका
2000 किलोमीटर के बाद मुझे क्या फील हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है ना, दोनों बताएंगे। देखो ये पॉजिटिव होंगे तो नेगेटिव भी होंगे, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2000 की सर्विस की कॉस्टिंग क्या है, ठीक है। तो भाई ये मेरे हाथ में पर्चा है, दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये है भाई, ठीक है। तो ये देख लो क्या है, मोबिल सुपर 300 कुछ डाला इन्होंने, फर्स्ट फ्री सर्विस का 300 रुपये फिर भी ऐड करा है, 0-0 कर दिया, ठीक है। स्टैंडर्ड चेक इतना कुछ होता है वो भी करा है, वो भी फ्री है, ओके। तो मोबिल सुपर 3000 TM जो भी है इसकी इन्होंने रेट 522 है, बेस प्राइस लगाया 156 रुपये, ठीक है, 185 रुपये हो गया, टैक्स अमाउंट 28 रुपये जोड़ा इन्होंने, ठीक है। तो टोटल हमारा बिल बैठा था 18% GST के साथ मिला के पार्ट्स पे 185 रुपये का हमारा बिल बैठा है, ठीक है ब्रो। ये पूरा है। अब ये तो हो गई आपकी सर्विस की बात। टाटा की जो जो गाड़ी आप ले रहे हैं उनकी पहली सर्विस होती है 1500 से 2000 के बीच में, मैं बोलूँगा आप 2000 से थोड़ा सा पहले करा लें, 1800-1900 पे, ठीक है, तो ज़्यादा ठीक रहता है। कॉस्टिंग 185 रुपये मात्र आई है, इससे ज़्यादा की नहीं आई। अब हम बात करते हैं ट्रिप पे। मैं ट्रिप पे गया था हरिद्वार ऋषिकेश मसूरी, मेरी गाड़ी 700+ किलोमीटर चली थी, ठीक है। एवरेज की बात करें तो एवरेज मेरे में जो स्क्रीन में 25 का एवरेज हो करी थी, 25.4 का जो एवरेज आया था बेस्ट, ठीक है। अभी दिखाता हूँ, अगर होगा तो इसमें दिखा भी देता हूँ, रुको। ये तो पहले का दिखा रही है, सर्विस से पहले का दिखा रही है सारा, ठीक है। तो 25.4 का एवरेज दिखा रही थी, जिसमें मुझे लगता है 20-21 के करीब का एवरेज मेरे को हाईवे पे इसने दिया है, क्योंकि मैंने 2 बार 30 लीटर 40 एक बार 40 एक बार 30, मतलब मैंने 6600 का तेल डलवाया था इसमें, 6500 मान लो, 6500 का तेल अप डाउन वगैरह सब खर्चा हुआ मेरा, और 6500 के तेल में 6500 के तेल में मैंने मेरी गाड़ी 750 किलोमीटर के करीब चली थी, प्लस वहाँ से आने तक मेरे गाड़ी में तेल बचा हुआ था 250 से 300 किलोमीटर, ठीक है। तो 200 मान लो 60-70 किलोमीटर का तेल बचा हुआ था मेरे पास, तो 2500 के करीब का तेल बचा ही हुआ, तो 4000 के तेल का हिसाब बैठा हुआ था, ठीक है। तो ये सारा मैटर है। तो ये सारा सीन है ऑन रोड ऑन हाईवे, और इतना जाम था मसूरी में, देखो हाईवे तो पूरा खुला था लेकिन मसूरी ऋषिकेश वगैरह में इतना जाम था ना कि टेंशन ही टेंशन था, लेकिन फिर भी एवरेज इसने निकाली, बहुत अच्छा एवरेज निकाला जो कि मुझे पसंद है। पहाड़ों पर तो एवरेज डाउन हुआ था लेकिन इसने वापस कवर कर लिया उसको, ठीक है। अब ये तो वही एवरेज की बात। दिल्ली में एवरेज की सिटी की बात कर लूँ भाई, तो 10-12-13 यही जा रही है, इससे ज़्यादा नहीं जा रही है, ठीक है। जाम भी उस अकॉर्डिंग है, तो सिटी के अंदर उतना दिक्कत होती है भाई। तो 12-13 का सिटी के अंदर एवरेज है, हाईवे पर अच्छा खासा एवरेज दे रही है, और मैंने गाड़ी अच्छी खासी भगाई भी, ऐसा नहीं कि मैंने 60-70 पे चलाई है, मैंने 80-100-110 भी चलाई है, और टॉप स्पीड से छोड़ दो आप, है ना, उसमें तो स्पोर्ट मोड लगा और सीधा भगा। हाँ, मुझे अभी ये तो हो गई पॉजिटिव बात है। नेगेटिव बात में जो मुझे पॉइंट लगा कि पहाड़ों पर कभी कल मुझे सिटी के अंदर पिकअप कम लगा, ठीक है, जो रेस कलर छोड़ने पे रेस पंजा दबाने पे थोड़ा सा पिकअप कमजोर लगा मेरे को, स्पोर्ट्स मोड पे वो है, तो सारे मोड्स का फर्क है, तो नेगेटिव मानो ना मानो आपके ऊपर है। बाकी कोई ऐसी 2000 तक के सफ़र में मुझे कोई ऐसा फील नहीं हुआ कि मैंने कोई गलत डिसीजन लिया 10 लाख लगा के 12 लाख लगा के, मुझे लगा डिसीजन मेरा अच्छा था, डिसीजन मेरा सही था। तो यही सारा सीन है, ठीक है भाई, और यही सारा मैटर है। अब ये थे मेन पॉइंट, और कोई पॉइंट आपको लगता है कि जिसमें जो मुझे आपको बताना चाहिए या फिर आप पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मैं बता देता हूँ। बाकी सीट बेल्ट का एक चीज़ है जो कि मैं आपको, बैक के सीट बेल्ट में, देखो इसको, इसमें 6 एयरबैग है, तो नॉर्मल सी बात है सीट बेल्ट वगैरह सब में अलाउड है, सीट बेल्ट लगेंगे तभी इसमें आपको एयरबैग खुलते हैं, ठीक है। तो जो सीट बेल्ट का ऑप्शन है, सीट बेल्ट का दिक्कत ये है भाई, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, वो कन्फ्यूजिंग है, ठीक है, वो कभी और डाउट क्लियर करूँगा आपका, सब कुछ इसमें क्लियर कर दूँगा तब ब्लॉक क्यों देखोगे मेरा, ठीक है। तो मैं नेक्सॉन लेके भाई मैं सेटिस्फाइड हूँ, उसकी रोशनी से लेके जो DRL वगैरह है इसकी रोशनी से लेके, मुझे फॉग लैंप की जरूरत नहीं पड़ी, कोई इतना जरूरत नहीं था अभी के टाइम में, तो बहुत अच्छी रोशनी थी, कहीं पे भी इसने मुझे किसी भी प्रकार का धोखा नहीं दिया,
पांच जने हम गए थे, पांच जने के हिसाब से जो कैपेसिटी थी बैठने की जबरदस्त भाई। हम लेट सो के आए, कोई आफत नहीं आई है, टेंशन फ्री आए। एसी हमारा हर समय 3 पे चला, उसके बाद एवरेज ने 20-21 निकाला, जो कि जिसको मैं सलाम करता हूँ भाई। ठंड के दिनों में ये एवरेज और कम हो जाएगा, मतलब एवरेज ज़्यादा हो जाएगा, ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी, ठीक है एसी वाला। तो ये सारा मैटर है। और हाँ, रेंज का कुछ सिस्टम है यहाँ पे, जो कि मैं अभी दिखा देता हूँ। ये देख रहे हो यहाँ पे फ्यूल लिखा आ रहा है, और ये जो फ्यूल है इसमें रेंज अभी सो नहीं हो रही। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जैसे ही 50 से आप नीचे जाते हो ना, तो इसका इसमें रेंज नहीं दिखाता है, ठीक है। रेंज इसका रिफ्यूल लिखा आ जाता है बस। तो ये मैंने बात की है, उन्होंने बोला आप मंडे को एक बार आइए, तो मंडे को जाके एक बार देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा और प्रॉब्लम ये भी है, उन्होंने बोला 10 लीटर तेल होना चाहिए, ठीक है। बट भाई 10 लीटर मान लो 5 लीटर है, 50 का है, 50 का रेंज दिखा रहा है। मेरे में मान लिया 500 का तेल गिरा हुआ, 500 मैंने और गिरा दिया, 600 गिरा दिया, तो 100 प्लस हो गया। तो उसमें रेंज दिखाना चाहिए, लेकिन उसमें रेंज नहीं बढ़ता, रेंज बढ़ता है फिर। तो प्रॉब्लम क्या है, वो कहीं ऐसा हो 15-20 लीटर तेल चाहिए तो रेंज दिखाती है, और 50 के बाद उसे दिक्कत, या फिर अपडेट का कोई दिक्कत है, मुझे नहीं पता। तो सब मैं जाके आपको मंडे के बाद ही बता पाऊंगा जो प्रॉब्लम्स हुई हैं। इसके अलावा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि जो मैं आपको बताऊं फेस करूं। साउंड सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम तगड़ा भाई, इसका सेटिंग अगर म्यूजिक वाला ओके करोगे तो तगड़ा सिस्टम है, ठीक है भाई। तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें ओके हैं। तो यही सारी बातें हैं, यही सारा मैटर है, और कुछ ऐसा बताने लायक और नहीं है। 2000 की सर्विस पे जो मुझे लगा फर्स्ट सर्विस, वो मैंने आपको शेयर करा है। और कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो तो आप मेरे से पूछ लीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ कि इको सिटी और इसका क्या, ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मेरी गाड़ी अभी 1881 किलोमीटर चल चुकी है हमारी गाड़ी, ठीक है। तो यही सारा गेम है भाई। एसी भी ओके, इसका एसी भी 2 पे चला देते हैं, 2 पे 3 पे मज़ेदार एसी है। तो यही सारी चीज़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हैं, मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा टाटा के लिए, ठीक है। तो यही सारी बातें हैं, तो इस ब्लॉग को अब यहीं करते हैं एंड, ठीक है। दूसरा ब्लॉग में आपको नई चीज़ों के साथ मिलेंगे। अब तो ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना चाहता हूँ मैं, ताकि आप लोग तक पहुँचो और आप लोग देखो यार मेहनत कर रहे हैं यार हम भी, है ना। चलिए फिर, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू।